भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की वर्किंग पॉपुलेशन, जिसमें 15 साल से 59 साल के लोग आते हैं, वो भारत की जनसंख्या का 62% से भी ज़्यादा है। इसी के चलते नौकरियों से लेकर आर्थिक गति के क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएं हैं। 2013 में विश्व प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने भारत को फ्रेजाइल 5 यानी कि कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में रखा था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व बैंक भारत को पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बता रही है। इसी से संबंधित कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का आज तक का सबसे बड़ा सर्वे नौकरियों को लेकर सामने आया है। आगे बात करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के बारे में जान लीजिए। यह एक बिजनेस समूह है जिसे 1895 में गठित किया गया था। यह समूह इंडस्ट्री से और इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है और ये भारत में सरकार की नीतियां बनाने में भी मदद करता है। दूसरा, यह सर्वे अभी तक का सबसे बड़ा सर्वे है जिसमें 1,05,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री को शामिल किया गया। इस सर्वे में भारत के सभी राज्य शामिल हैं। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस यानी उद्योग। माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा की नहीं होती, वहीं स्मॉल इंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम की होती है। मीडियम इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम की होती है। नौकरियों के दृष्टि से देखें तो माइक्रो इंटरप्राइजेस आम लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देने में सक्षम होती है। तो अब आपको सर्वे के बारे में बताते हैं। सर्वे सबसे पहले हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनाता है जिसे नौकरी सृजन में काफ़ी मदद मिली है। पहली है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मतलब कि MSME इंडस्ट्रीज लोन लेती हैं तो लोन को लौटाते हुए उस लोन पर कम इंटरेस्ट देना होता है। दूसरा, श्रम सुविधा पोर्टल जिसमें MSME इंडस्ट्री सरकारी कानून जैसे इंस्पेक्शन का पालन इंटरनेट के जरिए ही करती हैं। और तीसरा है ट्रेड पोर्टल जिससे छोटे उद्यमों को क्रेडिट लेने में बहुत आसानी हो जाती है। छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट सबसे मुख्य होता है जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ता है। इसके बाद सर्वे बीते 4 सालों में नौकरियों की रिपोर्ट कार्ड देता है। सर्वे के मुताबिक पिछले 4 साल में भारत में एम्प्लॉयमेंट बेस 2013 के मुकाबले 14% बढ़ा है और हर साल छोटे उद्योग में 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा हुई हैं। सर्वे में भाग लेने वाले 66% उद्योगों ने बताया कि उन्होंने पिछले 4 सालों में हायरिंग 2013 के मुकाबले बढ़ाई है, जिसमें कि माइक्रो इंडस्ट्री यानी कि सबसे छोटे उद्योगों ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी है। सेक्टर्स की बात की जाए तो होटल और टूरिज्म सेक्टर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा रोजगार महाराष्ट्र के बाद गुजरात और तेलंगाना में है। छोटे उद्योग जो अपना माल भारत में बेचते हैं वे सबसे ज़्यादा नौकरियां देते हैं। ये वही उद्योग हैं जो एक आम आदमी को रोजगार देते हैं और जो आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो किसान के आलू से लेस चिप्स बनाती है। 1 किलो आलू जब चिप्स में बदलते हैं तो उसकी वैल्यू ऑडिशन बहुत बढ़ जाती है, इससे किसान को बहुत मुनाफा होता है और आप चिप्स का स्वाद लेते हैं। सर्वे ये भी बताता है कि आने वाले 1 साल में करीब 21% ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा छोटे उद्योग 73% नौकरियां देंगे। आने वाले 3 सालों में सर्वे के मुताबिक हमारा एम्प्लॉयमेंट बेस करीब 35% तक और बढ़ जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। इसमें नॉन एक्सपोर्ट्स जिनका व्यापार भारत तक ही सीमित होता है वो सबसे ज़्यादा 74% नौकरियां देंगे। एक सर्वे में पूछा गया कि 2013 के बाद से जो एम्प्लॉयमेंट बेस बढ़ा है उसके मुताबिक उद्योग नई हायरिंग कब तक कर लेंगे, तो 87% उद्योगों ने दावा किया कि वे सिर्फ 3 महीनों में ही नए नौकरियां लोगों को दे देंगे। अब आपको यहाँ ये भी बता दें कि पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने लघु छोटे उद्योगों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर कई सौगातें दी थी। जैसे छोटे उद्योगों को अब सिर्फ 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेट्रल के मिल सकता है। पब्लिक सेक्टर के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 25% तक की खरीद अब छोटे उद्योगों से ही करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि सरकार हाईवे, मेट्रो जैसे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट में सीमेंट, स्टील अब 25% छोटे उद्योगों से ही लेगी। इसके साथ छोटे उद्योगों द्वारा
लिए गए 1 करोड़ तक के लोन में 2% इंटरेस्ट कम लिया जाएगा। इसके साथ छोटे उद्योगों में नई टेक्नोलॉजी आए, इसके लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सबसे अहम दिवाली गिफ्ट ये था कि सरकार के इंस्पेक्टर अब उद्योगों को परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब से उद्योग इंटरनेट के माध्यम से ही कानूनों का पालन कर सकते हैं। इस CII के सर्वे को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था है जिसका सर्वे एकदम निष्पक्ष है। CII के साथ विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे विश्व बैंक और IMF भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की कई बार तारीफ कर चुकी हैं। अगर देश की आर्थिक नीति और गति इसी दिशा में आगे बढ़ती रहेगी तो जल्द ही भारत का न्यू इंडिया का सपना पूरा हो सकेगा।